नमस्कार। राजस्थान में भाजपा में चल रही खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का देव दर्शन कार्यक्रम तय हो चुका है। हालांकि बीते दिनों भी राज्य ने कई मंदिरों में जाकर देवों के दर्शन किए थे। देव दर्शन के दिन भाजपा के ज्यादातर नेता उनके साथ थे। कहा गया है कि वसुंधरा राजे ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। हर साल अपने जन्मदिन को ये विशेष तरीके से मनाती रही हैं। इस बार भी उन्होंने इसे मनाने का ढंग अलग चुना है। इस बार में उनके 2 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके तहत 7 मार्च को वसुंधरा राजे के लिए गिरिराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी दिन वह गोवर्धन जी सप्तकोशी की भी परिक्रमा करेंगी। आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार वह 7 मार्च को आदि बजरी में रात्रि विश्राम करती हैं और 8 मार्च को वह अपने जन्मदिन के मौके पर वसुंधरा राजे बद्रीनाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती में शामिल भी होंगी, जिसके बाद केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना वह करेंगी। आपको याद दिला दिया जाए कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीते रविवार की शाम जयपुर के गोविंद देव मंदिर काले हनुमान मंदिर में देव दर्शन किए। वैसे तो मंदिर और देव दर्शन से वसुंधरा राजे का पुराना जुड़ाव है, लेकिन इस बार राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रदेश में भाजपा में जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, उस बीच रविवार को राज्य के देव दर्शन कार्यक्रम के अलग अलग मायने हैं। उनका मानना है कि इस देव दर्शन के जरिए राज्य ने विरोधियों को जयपुर शहर में अपनी सियासी ताकत का एहसास करवा दिया है।